हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हमारा एक तरीके से पूरी पार्टनरशिप का एंड हो रहा है। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, डिसोल्यूशन लास्ट टॉपिक भी है, तो डिसोल्यूशन के इस टॉपिक के साथ आज से हम पार्टनरशिप को हम इतना कर चुके हैं कि अब हम पार्टनरशिप से आगे बढ़ सकते हैं। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए जिससे हम मार्क्स को अपने कन्फर्म कर सकें और किसी भी टाइप की एंट्री आए हम उसे पूरा कर दें। तो अब क्वेश्चन है कि ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है, 31 मार्च 2011 को। ये क्वेश्चन 2012 में आया था। बैलेंस शीट इस तरीके से है, एस फॉलोज है। आप देखें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं ना कहीं हम, क्योंकि वैसे भी डिसोल्यूशन है तो सारे अकाउंट क्लोज करने से हमारा रिलेशन होगा। सबसे पहले हम क्लोज करेंगे थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में संडे क्रेडिटर है लाइबिलिटी साइड में, बाकी कुछ नहीं है। ये इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है। यहाँ बिल्डिंग फर्नीचर डेटर सो के सारी चीजें ली जाएंगी क्योंकि इन सबको हम रिलाइज करेंगे, कैश को हम रिलाइज नहीं करते, इसलिए वो नहीं लिखा जाएगा। तो क्या बोला है, द फर्म डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2011 और एसेट्स और लायबिलिटी वर सेटल्ड एज फॉलोस। तो ये बाद का काम है, पहले आप ये अकाउंट क्लोज कीजिए जिनको हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ आपको कैश को नहीं छेड़ना और यहाँ आपको कैपिटल को नहीं छेड़ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने क्रेडिटर को क्लोज कर देते हैं। तो क्रेडिटर को जब आप क्लोज करोगे तो आप उसको क्रेडिट करो, डेबिट करोगे, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस के साथ ऑलरेडी है। तो उसको क्लोज कैसे किया जाएगा, आप उसको डेबिट कर दीजिए। तो फिर हम क्रेडिट किसे करें, क्रेडिट आपको पता है यहां पर हम क्या बनाते हैं, डिसोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो आप यहां पर क्या करेंगे, रिलाइजेशन अकाउंट ही क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नरेशन जरूर लिखिएगा। अमाउंट है 1,17,000 तो इस तरीके से हमारी पहली एंट्री होगी जब हमने अपनी लायबिलिटी को क्लोज किया। अब ये सारी एसेट्स क्लोज करते हैं। तो सारी एसेट्स कौन से बैलेंस के साथ हैं, डेबिट। तो आप इनको कैसे क्लोज कर सकते हो, इनको क्रेडिट कर। तो डेबिट किस अकाउंट को कर दो, रियलाइजेशन को। रियलाइजेशन को डेबिट करो और ये चारों एसेट्स जो हैं इनको आप क्रेडिट करो। कौन कौन सी हैं, बिल्डिंग फर्नीचर डेटर्स और स्टॉक। अमाउंट 2,40,000, 1,75,000, 80,000 और 75,000। अब ये हो गया 5,70,000 इसका टोटल हो जाता है। तो हमने जो हमारा पहला काम था, बैलेंस शीट से एक्सटर्नल लायबिलिटी और जितनी एसेट्स जिनको रिलाइज करवाना है उन सारे अकाउंट्स को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम अपनी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं एक एक करके। पहली एडजस्टमेंट हमें कहती है कि बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर एज देयर फुल एंड फाइनल पेमेंट। तो देखिए, बिल्डिंग एक एसेट है जिसको क्रेडिटर लेकर जा रहे हैं, ये लेकर जा रहे हैं। बिल्डिंग 2:40 की है, 1,17,000 की जो क्रेडिटर है वो उसको लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वैसे भी उनको चाहिएगा क्या, ज्यादा लेके जा रहे हैं। यहाँ पर मेन चीज क्या है कि अगर कोई लायबिलिटी किसी एसेट को लेती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो हम इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है तो चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर नो जनरल एंट्री या नो एंट्री, बट इतनी कोई खास जरूरत है नहीं इस चीज की लिखने की, क्योंकि फुल एंड फाइनल पूरा क्वेश्चन करना है इसलिए। तो हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, नो एंट्री नहीं लिखेंगे हम। अगर अब मुझे सिर्फ 4 या 5 एंट्री पास करनी होती, पूरा क्वेश्चन मेरे सामने नहीं होता, तो फिर मैं लिखता कि ए के लिए नो एंट्री, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आप समझ लीजिए। अब आई बात दूसरी एसेट की, फर्नीचर, क्योंकि लाइबिलिटी तो खत्म हो गई, एक एसेट भी खत्म हो गई, अब 3 एसेट बची हैं। फर्नीचर बी ने ले लिया,
पर कैश पेमेंट कर कर किया 5% लेस देन, तो ये पक्की बात है कि आपके पास कैश आया होगा। अब वो कैश बी ने दिया है या किसी और ने दिया होता मेरे लिए मतलब नहीं है, मैं अपनी बुक में अब कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा। टू, फर्नीचर कभी नहीं लिखना, रिलाइजेशन अकाउंट लिखना, क्योंकि फर्नीचर का अकाउंट तुम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो, तो आप क्या करोगे यहाँ पर रिलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। कितना देंगे, फर्नीचर की वैल्यू 1,75 है, बोला है कि 5% कम पर, तो 1,75,000 का अगर आप 5% निकालते हो तो वो निकलता है कितना, 17,500 होता है, हाफ करते हैं तो 8,750 आता है, तो 1,75,000 में से आप 8,750 माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट आएगा 1,66,250 रुपए का। तो इतने में उसने उसको रियलाइज करा दिया, जीरो बन नहीं रही थी, जीरो नीचे बना रहा हूं। फर्नीचर को रियलाइज करा लिया हमने, अब हम डेटर की तरफ चलते हैं। डेटर वर कलेक्टेड बाय डेट कलेक्शन एजेंसी एट 5,000 की कॉस्ट पर, मतलब क्या है कि डेटर से पैसा लिया, पर जिसने लिया जो एजेंसी है उसने अपने चार्जेस ले लिए 5,000 के, तो मुझे कितना मिला, मुझे तो इससे मतलब है और उतना ही मैं यहां लिख दूंगा। तो देखिए कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूं टू रियलाइजेशन और सिर्फ नेट अमाउंट दिखाइए जितना आपको रिसीव हुआ, तो आपको रिसीव हो रहा है 75,000 क्योंकि 5,000 डेट कलेक्शन एजेंसी ने ले लिए। आगे बताया कि स्टॉक से रिलाइज हुआ 70,500, तो आप स्टॉक से रिलाइज करा लीजिए, फिर एंट्री यही रहेगी मेरी, कैश अकाउंट डेबिट करूंगा मैं टू रियलाइजेशन। तो जितनी भी एसेट हैं ये एंट्री सबके लिए लगभग लगभग सेम रहती है, पर मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूं जिससे अगर कोई भी एंट्री हम बीच में गलत कर रहे हैं तो हमारी सारी एंट्री गलत ना हो। तो अगर एक एंट्री गलत है तो सिर्फ एक एंट्री के मार्क्स कटेंगे, बाकी जो सही करी थी और मर्ज करने की वजह से गलत नहीं हो रही थी उनके मार्क्स मुझे मिल जाएंगे। आगे बोला कि बी ने एग्री किया है कि वो बियर करेगा सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा आएगा वो शेयर बियर करेगा और उस पूरी सर्विस के लिए उसको 500 रुपए दिए जाएं। तो 500 रुपए देने की एंट्री हम कर देते हैं, बी ने एग्री किया है तो हम बी को दे देंगे 20 कैपिटल अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, ये जितने का एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द फर्म एंड बी टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500। आगे लिखा कि एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन इज 1,000, मतलब नहीं है फर्म को क्योंकि वो तो बियर किसको करने हैं, बी को, तो हमें 1,000 से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ जितना बी को देना था उसकी एंट्री हम कर चुके हैं। तो यहां आकर हमारी एंट्रीज भी क्लोज होती हैं। अब हमें दो चीज करनी है, एक तो देखना है रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ या लॉस, और दूसरा जो पार्टनर है उनको पेमेंट करनी है जो भी उनकी बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो देखिए रियलाइजेशन की सारी एंट्री आपको डेबिट क्रेडिट कर समझनी पड़ेगी, तो मैं पहले यहां पर डेबिट और क्रेडिट कर दो साइड बना लेता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट मेरे पास नहीं है तो यहां देखें तो रियलाइजेशन क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिख दीजिए आप 1,70,000। यहां देखोगे तो आप डेबिट में है तो आप 5,70,000 यहां लिख दीजिए। यहां देखो तो रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो आप यहां दिखा दीजिए 1,66,250। इस एंट्री में भी क्रेडिट में है तो 75 यहां दिखा दीजिए। इसमें भी क्रेडिट में है तो आप यहां दिखा दीजिए 70,500। इस वाली एंट्री में डेबिट में है तो आप डेबिट में ये 500 रुपए दिखा दीजिए। तो ये ट्रांजेक्शन थी डेबिट क्रेडिट की, इस बेस पर हमें देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहां तो सिर्फ 5,70,000 एक एंट्री दिख रही है,
और इस साइड का टोटल कहीं से भी नहीं दिख रहा कि 5,70,000 पर पहुंच रहा है, तो ये तो गारंटी हुई कि लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है सिर्फ ये समझना है। एक लाख 41,750 रुपए का लॉस हो रहा है जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे किया और एसेट से रियलाइज कराया। तो अब ये लॉस जो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनमें डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 141,750। इसको नीचे को मैं, क्योंकि मुझे अभी एंट्री पास करनी है तो मैं इसको हटा देता हूं। अब रेशियो देखिए 3:2 की है, 3:2 में उसको डिवाइड करना है। ये फिगर आ गई हमारी दोनों की 85,050 और 56,750। इस तरीके से हमने लॉस को डिवाइड कर दिया। अब जो हमारा काम बचा वो हमारा काम बचा है पेमेंट करने का, किनको पे करने का, ए को और बी को। तो अमाउंट भी मुझे अभी निकालना है, पर क्योंकि एंट्री की अगर बात की जाए डिसोल्यूशन में तो एंट्री सिर्फ ये बचती है, वो एंट्री मैं लिख रहा हूँ, कैश लिख रहा हूँ क्योंकि कैश अकाउंट गिवन है। तो ये आपकी एंट्री है लास्ट फाइनल पूरे अकाउंट सेटल करने की। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों को पेमेंट क्या करनी है। देखिए पेमेंट का सबसे पहला तो ये लिख रहा है कि ए को 3,00,000 पे करने हैं, बी को 2,00,000 पे करने हैं। अब ये जितना ये प्रक्रिया हुई, जहां जहां कैपिटल अकाउंट यूज हुआ वो माइनस करना है इसमें से अगर डेबिट में है, और प्लस करना है अगर वो क्रेडिट में, डेबिट माइनस डेबिट से करना है और प्लस करना है क्रेडिट से। तो देखिए इसमें नहीं है, 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 इसमें जाकर बी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो बी के लिए 500 रुपए प्लस हो गए, 2,500 रुपए हो गए। एक अकाउंट में कुछ नहीं आया, एक अकाउंट में जो भी आ रहा है वो ये आ रहा है और बी में भी आ रहा है वो डेबिट होना है। तो देखिए ए में से तो ये 3,00,000 में जो 3,00,000 का अमाउंट है उसमें से 85,050 रुपए माइनस कर दीजिए। तो जब मैं 3,00,000 में से 85,050 रुपए माइनस करता हूं तो ये बचता है 2,14,950 रुपए। तो ये उसको पे करना है। अब बारी आती है बी की, 2,00,500 रुपए और प्लस कर दो, या आप कहो कि 56,700 में से 500 माइनस कर दो तो ये बचा 56,200। तो अब 2,00,000 में से कितना घटाना है, 56,200। तो जब 2,00,000 में से हम 56,200 घटाएंगे तो 143,800 आ जाता है। ठीक है, 2,00,000 प्लस 500 माइनस 56,700, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1,43,800 आएगा। और अगर इन दोनों को आप प्लस कर दो तो ये आपके कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा।
अब क्योंकि हमें अकाउंट नहीं बनाने, तो यही हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ये ही इस क्वेश्चन का टोटल पार्ट था जिस के थ्रू हमें डिसोल्यूशन को पूरा करना था। ये 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में पूरी एंट्रीज आएंगी आपके पास। जब भी पार्ट्स में एंट्री आएंगी तो 2, 3, 4, 5 एंट्री, 6 एंट्री मैक्सिमम पूछी जाएंगी। जब पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आया था 2012 में, बोर्ड है, बोर्ड का ही क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड के इसलिए कराए हैं जिससे आपको बोर्ड का कंसेप्ट समझ में आए कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उनको किस टाइम मैनेजमेंट के साथ, किस मेथड के साथ अटेम्प्ट करना है। पार्टनरशिप हमारी आज यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीक से हम कंपनी अकाउंट करेंगे और कंपनी अकाउंट की लाइव क्लासेस मेरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 8 बजे से होंगी। कंपनी पूरी हम लाइव क्लासेस के थ्रू करेंगे, बाकी जो वीडियोस होंगी, जिस जो क्वेश्चन और एडिशनल होंगे वो मैं इस तरीके से आपके सामने लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।